बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि फर्स्ट 1000 डेज की आइडिया ऐसी है कि गर्भधारणा से बच्चे का 2 साल का सालगिरह यहाँ तक 1000 डेज हो जाते हैं। इसी में ही बच्चे की बुद्धि का विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका इमोशनल विकास, उसका लैंग्वेज का विकास, सब कुछ के रूट्स इसी में है। और ये कैसे होगा, ये सिर्फ अपने आप होता नहीं है। अगर प्रेगनेंसी में औरत को सिक्योरिटी मिलेगी, शांति मिलेगी घर में, पोषण पूरी तरह से उसे मिलेगा, उसको प्यार मिलेगा, केयर मिलेगा और हेल्थ मिलेगी, तो बच्चा और माँ खुश रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। उसके साथ माँ को और पिताजी को ये करना है, गर्भ में जो बच्चा है उसके साथ भी बात करना है, हाँ, उसको उसके साथ भी स्पर्श करना है, माँ की जो प्रेग्नेंट पेट है उसके द्वारा, हाँ, उसके साथ भी संवाद हो सकता है। आपने अभिमन्यु की स्टोरी तो सुनी होगी, हाँ, कि वो उसने कुछ सुना था, वो तो मतलब वो कहानी है, लेकिन उसमें कुछ तथ्य ऐसा है कि वो ब्रेन डेवलपमेंट 80% 2 साल तक होता है और 50% गर्भावस्था में ही होता है। तो अगर घर में हिंसा रहेगी तो बच्चा घबरा जाता है और बहुत हलचल करता है घर समय, और उसको इनसिक्योर लगता है। उसको प्रेम मिलेगा तो बहुत ही ज़्यादा उसका स्टिमुलेशन मिल जाता है, उसको प्यार से, स्पर्श से, बोलने से, और उसकी बुद्धि बढ़ जाती है, प्रॉपरली बढ़ जाती है, लैंग्वेज स्किल्स बढ़ जाती है, मोटर डेवलपमेंट होता है उसका। अभी ये सब होने के लिए कुछ बातें जरूरी है, हाँ, कि जो लड़की है वो हेल्दी रहे, किशोर वही लड़की ही आगे जाके माँ बनती है, इसके लिए उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, उसको एजुकेशन मिलने की जरूरत है, उसको एक्सपोजर बाहर का मिलने के, ज्ञान मिलने की जरूरत है, फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज का बहुत ज्यादा इसमें रोल है, कि उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन चेकअप और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमेशा हॉस्पिटल में ट्रेंड स्टाफ ने ही करनी चाहिए। होम बेस्ड डिलीवरी बिल्कुल ही ठीक नहीं है, बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है और माँ के सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। ये हुआ, अभी जन्म होने के बाद 1 घंटे के पहले बच्चे को दूध देना चाहिए। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन सिर्फ 1-2 घंटे में ही रहता है, बच्ची का दूध बोलते हैं ना जिसको, वो दूध उसको जरूर मिलना चाहिए। अगर ये मिलता नहीं है तो ये पत्रकार लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ये मैसेज हर एक तक पहुंचे। और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, क्योंकि हम बाहर का कुछ भी हम उसको देंगे तो बाहर के जर्म्स ही उसके पेट में जाएंगे, बाहर के इन्फेक्शन पेट में जाएंगे, इसके लिए माँ का दूध सफिशियंट रहता है। लेकिन 6 महीने के बाद, बालक को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना जरूरी है। ये बात हो गई न्यूट्रिशन की। दूसरी बात है वो लव की, ना? गले लगाना, उसको हमेशा शरीर बॉडी टू बॉडी टच रहना चाहिए हमेशा बच्चे को। अगर हम बच्चा दूर रखेंगे उतना हैम्पर करेगा उसका डेवलपमेंट, उसका कम हो जाएगा। मैडम, इस संस्था को काम करते हुए इसके ऊपर कितना साल हो गया? चरखा को 25-30 साल हो गए हैं, लेकिन 1000 डेज का जो फंडा है, जो कॉन्सेप्ट है, ये पिछले 3 साल में इंग्लैंड में डेवलप हुआ, लैंसेट करके जो मेडिकल पत्रिका है, जहाँ रिसर्च ही सिर्फ प्रॉपर रिसर्च ही वो अपने पब्लिश करते हैं, उधर रिसर्च प्रॉपर करके ही ये लैंसेट में पेपर पब्लिश हुआ है कि 1000 डेज में क्यों इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट मतलब सिर्फ पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है, सब बहुत सारी ज्ञान की भी इन्वेस्टमेंट है, इंटरवेंशन की इन्वेस्टमेंट है, सारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट होने के बाद समाज में बहुत सारे बच्चे बुद्धिमान हो जाएंगे ना, जब ये सब मिलेगा।